उत्तराखंड के युवा धाकड़ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश की जनता को नए साल के तोहफे के रूप में बाहरी प्रदेश के भूमाफिया पर उत्तराखंड में कृषि भूमि खरीद पर रोक लगा दी। पिछले काफी समय से लगातार सशक्त भू कानून की मांग प्रदेश की जनता लगातार कर रही है, जिसका संज्ञान लेकर मुख्यमंत्री द्वारा रोक लगाई गई। परंतु वही अगर धरातल की बात करें तो स्थिति कुछ और ही है। जगह जगह चील कौवे की तरह कृषि भूमि पर अवैध प्लॉटिंग कुछ और ही बयां करती है। ऐसा ही एक प्रकरण शिमला बाईपास रोड के मुख्य मार्ग से लगते प्रतीतपुर का है, जहां बाहरी प्रदेश से आए एक भूमाफिया द्वारा लगभग 200 बीघा कृषि भूमि पर बिना एमडीडीए एवं रेरा से अनुमति लिए हरे आम के बगीचे को काटकर अवैध प्लॉटिंग कर दी गई। प्लॉटिंग के मुख्य द्वार पर खड़ा किले नुमा गेट अपने मालिक की दबंगई की दास्ता बयां करता है। सूत्रों की माने तो क्षेत्र के कई अधिकारी एवं कर्मचारियों को उक्त प्लॉटिंग में से कुछ प्लॉटिंग उक्त भूमिया द्वारा गिफ्ट भी की गई है, जिसके चलते उक्त अवैध कार्य पर आज वर्तमान तक मुख्यमंत्री के आदेश के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई, या फिर यूं कहें कि संबंधित विभाग कार्रवाई करने से बचता है। अब देखना होगा इस पर कार्रवाई होगी या ऐसे ही चलता